जिला चंबा में वन विभाग ने अपने दो कर्मचारियों को सस्पेंड कर दिया है। इन कर्मचारियों पर विकास कार्य को बगैर विभागीय अनुमति, बगैर एस्टीमेट व बिना निविदा प्रक्रिया को अमली जामा पहनाए कार्य करवाने के गंभीर आरोप लगे हैं। इस मामले के सामने आते ही वन वृत्त चंबा KCCF ने मामले में दो कर्मचारियों को प्रथम दृष्टि में दोषी पाते हुए निलंबित कर दिया है, तो साथ ही सरकार को यह मामला भेजा है जिसमें इन्हें निष्कासित करने का आग्रह किया है। यही नहीं, मामले की तह तक जाने के लिए वन वृत्त चंबा KCCF ने इस मामले की जांच करने का जिम्मा DFO हेडक्वार्टर चंबा को सौंपा है। इस कार्रवाई के बारे में सरकार को जानकारी दे दी गई है। सस्पेंड किए एक कर्मचारी का हेडक्वार्टर चंबा में तो दूसरे का हेडक्वार्टर सलूनी में फिक्स किया गया है। इस बात की पुष्टि वन मंडल चंबा के DFO हेडक्वार्टर ने की है। जानकारी के अनुसार वर्ष 2018-19 में वन परिक्षेत्र तीसा के दायरे में आने वाले गियास में वन विभाग के इंस्पेक्शन हट निर्माण के लिए 15 लाख रुपए प्राप्त हुए। इसी कार्य के लिए अगले वर्ष 35 लाख तो वर्ष 2020-21 में इसी कार्य के लिए 35 लाख रुपए की तीसरी किस्त वन विभाग को प्राप्त हुई। इस पैसे के माध्यम से वन विभाग ने 4 मंजिला इंस्पेक्शन हट बनाया। हैरान करने वाली बात यह है कि इस निर्माण कार्य पर 85 लाख रुपए खर्च किए गए, लेकिन इसके लिए न तो एस्टीमेट बनाया गया, न तो विभाग से इस कार्य की स्वीकृति ली गई और न ही इस कार्य के लिए किसी प्रकार की निविदा प्रक्रिया को अंजाम दिया गया। ऐसे में यह पूरा मामला निर्माण कार्य से संबंधित दिशा निर्देशों की अवहेलना से संबंधित पाया गया। वन वृत्त चंबा KCCF के ध्यान में जब यह मामला आया तो उन्होंने इसकी जाँच की। जांच करने पर यह मामला पूरी तरह से सरकारी नियम कानूनों की अवहेलना से संबंधित पाया गया। इस पर उक्त अधिकारी ने कार्रवाई करते हुए संबंधित वन परिक्षेत्र के RO तीसा व BO तीसा को सस्पेंड कर दिया। मामले की जांच का जिम्मा DFO हेडक्वार्टर चंबा रघुराम मानव को सौंपा गया है। इस बात की पुष्टि DFO हेडक्वार्टर चंबा रघुराम मानव ने की है।